आज हम सभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4A में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है डिवाइड। क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट हमारा दिया हुआ है डिवाइड 85 बाई माइनस 17। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं 85 अपॉन माइनस 17। और एक चीज़ आपको हम बता दें, फ्रैक्शन इससे पहले क्लास 5th में आप सभी को फ्रैक्शन बताया गया था, तो फ्रैक्शन में भी बताया गया था कि कभी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होता। ये हमारा 85 न्यूमिनेटर में है और 17 क्या है, डिनोमिनेटर में है। कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है क्या होता है, निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है, इस रूल को समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 अपॉन -1। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -85। यहाँ हमारा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 17 5 जा 85। हमारा आंसर आ जाएगा -5। क्लियर है? आपको ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो साइन का रखना है, ठीक है। अब हमारा यहाँ नेगेटिव था तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है -72 बाई 18। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, -72 अपॉन 18। ध्यान से देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या था, निगेटिव था, निगेटिव था, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। तो जब भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो -1 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, निगेटिव होगा। आप यहाँ पे देखिए, क्या डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो हम सीधा क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 18 1 जा 18 18 4 जा 72। और यहाँ पे आ जाएगी क्या है साइन, माइनस है तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 4। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलिए और आपको हम सॉल्व करवा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। हम आपको सॉल्व करवाते हैं -19। अभी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, -76 अपॉन -19। अब ध्यान से देखिए, हमारा माइनस माइनस है, ऐसे भी करना चाहे तो हो सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल, बट आप रूल से अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, क्या क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव है, तो हम कर लेते हैं -76 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन -1। अब यहाँ देखिए, -1 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा हमारा 76। और यहाँ भी सॉरी, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 19 1 जा 19 से 76 को डिवाइड कर लीजिए, 19 1 जा 19 19 4 जा 76, ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 4। अब बताइए, डिवाइड सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। उसके बाद कुछ ब्लैंक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देते हैं। कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। यह ब्लैंक्स फिल कीजिए, ब्लैंक्स फिल कीजिए, ब्लैंक्स में फिल कीजिए। तो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स का 80 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इक्वल टू
माइनस फाइव। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 80 डिवाइजर नहीं है, डिवाइजर ब्लैंक है, और हमारा आंसर क्या था, -5। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तुरंत क्या कर लीजिए, डिविडेंड से और क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर क्लियर हो जाएगा। सॉरी रंग गया। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम डिविडेंड को क्वेश्चन से डिवाइड कर देंगे, डिविडेंड को क्वेश्चन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ देखिए हो जाएगा 80/-5। डिवाइड कैसे करते हैं अभी हमने बताया था, हम ब्लैक फिल करने का रूल बता रहे हैं, ये आपका रफ वर्क है, ये रफ में करना है, ये फेयर पे नहीं करना है, ठीक है, ये रफ वर्क है, आप लोग कमिंग करिएगा। अब हमारा देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव है, निगेटिव को हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/-1 से। अब देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 81 जा 80, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, आंसर आप ये हो गया, ये -80/5 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस है तो माइनस जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 80, क्लियर है। तो आंसर आप यहाँ पे आ गया -16, हम यहाँ फिल कर देंगे -16, ठीक है, हमारे यहाँ क्या फिर हो जाएगा -16। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डिवाइड का सिंबल लगा हुआ था, माइनस को स्मॉल ब्रैकेट में कर लीजिएगा, क्लियर है, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे दिया है, थर्ड हम आपको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है, समझ लीजिए, अच्छे क्वेश्चन हैं। थर्ड दिया है ब्लैंक डिवाइडेड बाय -5 = 25। अब यहाँ पे देखिए हमारा डिविडेंड नहीं दिया है, हमारा क्वेश्चन दिया और क्या दिया है, डिवाइजर, जब इस टाइप का दिया हो तो तुरंत हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन और डिवाइजर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिविडेंड फाइंड हो जाएगा, तो हम कर लेंगे 25 × -5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -25 × 5 = 125, तो हमारा यहाँ पर क्या फील हो जाएगा, -125, क्लियर है, समझ में आ गया, हो जाएगा, सॉल्व कर ले जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से रिलेटिव दिया है, और ट्रू फॉल्स से रिलेटिव क्वेश्चन है, और आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, तो आप इस साइज 4E के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो गूगल क्लासरूम में कमेंट करके बताइए।